हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप वन नेशन वन राशन कार्ड जो बन रहा है उसके लिए आप एक नया पीडीएस रीडर बन सकते हो और अपना एक खुद का कोटा बना सकते हो। जी हां दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करके एक नया कोटा बना सकते हो वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए। तो कैसे करते हैं ऑनलाइन अप्लाई और कैसे बनते हैं पीडीएस डीलर, तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आनी है। ये वेबसाइट है मध्य प्रदेश सरकार की, जो पीडीएस वेबसाइट है उस वेबसाइट में है। तो इस वेबसाइट के द्वारा आप कैसे एक पीडीएस डीलर बन सकते हैं वन नेशन वन कार्ड के लिए। अब जितने भी वन नेशन कार्ड बनेंगे उस कार्ड के लिए पीडीएफ डीलर बनना चाहते हैं तो नया एक फॉर्म ओपन हो चुका है, उस फॉर्म को आप अप्लाई करके आप पीडीएफ डीलर बन सकते हैं। तो आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही है जहाँ पर लिखा है दुकान आवेदन हेतु आवेदन ऑनलाइन। तो आपको यहाँ पर सब क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होती है जो आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर आपके लिए आता है रजिस्टर्ड पीडीएफ शॉप एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होता है जो आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप भरनी है, पूरी अच्छी तरह से जानकारी भरनी है, नहीं तो आपका यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर पीडीएस शॉप रजिस्ट्रेशन। अगर आप, जो मैंने बोल चुके हैं कि आप अगर पीडीएस डीलर बनना चाहते हैं तो इसको फॉर्म को पूरी अच्छी तरह भरना पड़ेगा। सबसे पहले आवेदक संस्था का नाम, यानी कि जिस संस्थान में है उसके आवेदक संस्थान का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, आपके जो संस्थान में खोल रहे हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने संस्थान का पंजीकरण क्रमांक, उसका पंजीकरण क्रमांक क्या है फिलअप कर देनी है। उसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेनी है, आपका जिला कौन सा पड़ता है मध्य प्रदेश के, तो जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जनपद ग्राम पंचायत कौन सा है सिलेक्ट करनी है, उसके नीचे आना है, फिर पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ग्राम भी सिलेक्ट कर लेनी है, ये सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है आवेदक संस्थान के कार्यालय का पता, आपके आवेदक जो भी है उसके संस्थान जहाँ पर है उसका पता क्या है, उसका पता आपको लिखना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके बाद अध्यक्ष की जानकारी, उसके लिए आपके जो भी अध्यक्ष है और अध्यक्ष का संस्थान को आपकी जानकारी आपको देना है। जैसे कि अध्यक्ष का नाम डालना है, अध्यक्ष का पिता या फादर जो भी है उसका नाम डाल देनी है, अध्यक्ष का बर्थ डेट डालना है, उसका निवास स्थान कहाँ पर है, मोबाइल नंबर क्या है और आधार नंबर क्या है। इतने सारे डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सदस्य की जानकारी, अब संस्थान में जो रहते हो सदस्य कितने सदस्य है, तो आप सदस्य यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, महिला है तो यस क्लिक करनी है। उसके बाद महिला का नाम लिखना है, उसके बाद आपको चुनना है कि किस जाति में आता है, SC ST में। उसके बाद आधार कार्ड डाल देनी है, उसके बाद पद डालना है, उसके बाद यहाँ पर निवास स्थान डालना है, उसके बाद ऐड कर देना है। अगर और भी महिला है तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है प्रबंधन की जानकारी, ठीक है, तो प्रबंधन का देखो नाम डाल देना है आपको। उसके बाद जो भी उसका प्रबंधन का नाम, पिता या पतियों का नाम डालना है, प्रबंधन का डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसका निवास स्थान डाल देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद उसको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि दुकान या गोदाम जहाँ से आप लेना चाहोगे, चावल लेना चाहते हैं या फिर जो भी आपका गोदाम का है वहाँ का आपको ये नाम लिखना है। तो दुकान का गोदाम का पता लिखना है, वो दुकान आप जहाँ से चावल लोगे, जहाँ से आप डीलर उठाओगे, तो उसका पहले नाम लिखना है। उसका सिलेक्ट करना है कि आवेदक का स्वामित्व कौन है, स्वयं का है या फिर किराया का है, तो जो भी है आप यहाँ दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैंक का विवरण, आपको यहाँ पर अपना एक बैंक अकाउंट चाहिए, तो बैंक अकाउंट सबसे पहले जो भी आपका बैंक है आपको यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल देनी है। उसके नीचे आने के बाद जो अपना बैंक खाता नंबर आपको यहाँ पर डालनी है, फिर स्वर्ग वर्ग डालनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना संस्थान की पूंजी, जब संस्थान को बना रहे थे संस्थान बनाने के लिए वो कितना पैसा खर्चा हुआ था, तो पहला आंसर लिखना है, उसके कार्य में कितना पैसा लगा था, टर्न ओवर साल में उसको कितना पैसा खर्चा हुआ था। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर वर्तमान संस्थान द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का स्वरूप विवरण क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना स्वरूप विवरण है, तो लिख सकते हैं, तो छोड़ भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो दुकान बनाई वहाँ पर कोई अगर विवाद है तो यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। इतना सर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आता है जिस ग्राम पंचायत से आवेदन करना है उसे चुनना है, आप कौन से ग्राम पंचायत में आप डीलर बनना चाहते हैं। तो आप जिस भी ग्राम पंचायत में डीलर बनना चाहते हैं सबसे पहले उसका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करनी है, उसके बाद उसका ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करनी है, उसके बाद गांव सिलेक्ट करनी है। अगर आप अपने गांव में करना चाहते हैं तो आप यहां से जिला सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करोगे। आप जिस भी ग्राम पंचायत को बनना चाहोगे आप यहां से बन सकते हो, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपको नीचे आता है, नीचे आने के बाद सेव एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेव पर क्लिक कर देने। उसके बाद आपकी जो आधार आईडी और जिसका जिसका आधार आईडी का नंबर चाहिए सबको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके 5 से 6 दिन या सप्ताह भर के अंदर में आपको यहाँ पर फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आपको जो पीडीएस डीलर के लिए आपको चुन ले जाता है, और आप जिस संस्थान या दुकान का नाम दिए वहाँ पर जैसे जाओगे तो आपको वहाँ पर नाम आ जाता है, और आप वहाँ से चावल लेकर आप उस किसी जो
स्पेसिफिक स्थान के लिए आप बन सकते हैं एक पी डी एस डीलर बन सकते हैं। तो इसी तरह से आप बन सकते हैं पी डी एस डीलर आसान तरीका से। और अभी वन नेशन वासन कार्ड जो बन रहे हैं उसके अनुसार ये नया सिस्टम लागू किया गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर देना। तो मिलते हैं इस नॉलेज और वीडियो के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।